रिवीजन ऑफ सिविक्स, चैप्टर पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग चैप्टर में मैंने एक प्रॉब्लम नोट की ड्यूरिंग प्री बोर्ड वन टर्म वन। प्रॉब्लम क्या थी? फॉर एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। आपको अभी तक ये सिलेक्ट ही नहीं करना आया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया जाए, पावर्स आर बैलेंस्ड, तो ये कहां पे है? हॉरिजॉन्टल। पावर्स आर शेयर्ड बाय एससी एंड एसटी इन इंडिया, ये किसकी डिवीजन है? पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल, पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक, हॉरिजॉन्टल। पावर्स आर नॉट बैलेंस्ड। अगर आपसे पूछा जाए प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, काउंसलर इज हेड ऑफ वार्ड, ये गलत हुए थे पेपर में, वार्ड, वार्ड का ही होता है काउंसलर। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया, अगर आपको पूछा जाए जुडिशरी के लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, पीपल आर द मेंबर्स टिल देयर डेथ, ग्राम सभा के ग्राम पंचायत। मुझे एक बच्चा पूछने आया, बट ये क्वेश्चन कहाँ से आया, टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द टेन्योर, टेन्योर कितना? 5 years। तो ये गलत क्यों, क्यों नहीं आपको आया टेन्योर? तो यू हैव डन अर्बन सेल्फ, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट एंड टेन्योर ऑफ ऑल, सबका, ब्लॉक समिति आए, किसी का भी आए, विलेज पंचायत आए, tenure is 5 years। गवर्नमेंट हमारे कितने सालों के लिए बनती है यहाँ पे? 5 years। वो इलेक्शन कमीशन, अगर आपको प्रेसिडेंट किसी का भी टेन्योर आए, दैट इज 5 years। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का टेन्योर 5 years। चीफ जस्टिस का भी सेम है, बट उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट होती है, उनका टेन्योर नहीं होता। चीफ जस्टिस का कोई टेन्योर नहीं होता, एज ऑफ रिटायरमेंट होती है, उनकी रिटायरमेंट एज होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज है तो आई थिंक 65, हाई कोर्ट का तो 62, ऐसे होती है उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट होती है। वहां पे सिविल सर्वेंट्स की भी एज ऑफ रिटायरमेंट होती है, पता है ना, जो एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, क्योंकि ये तो परमानेंट नहीं है ना, जो रूल करते हैं ये परमानेंट थोड़ा होते हैं, ये तो 5 years के लिए आते हैं, चले जाते हैं, और इनके पीछे डिपार्टमेंट वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर कोई भी है, हम कहते हैं एग्जामिन, सॉरी आप इसको ले लेते हैं, जैसे कौन, दीपांश, आप इसको इमेजिन करो कि दीपांश जो है ना, ये रेलवे मिनिस्टर है, बट दीपांश को ना नॉलेज नहीं है अपने रेलवे डिपार्टमेंट की, इसको बना दिया गया। अब दिस इज हैपनिंग इन इंडिया, ये रेलवे मिनिस्टर है, नो नॉलेज अबाउट रेलवे, बट ही इज रेलवे मिनिस्टर, हिज टेन्योर इज 5 years। अब डिपार्टमेंट किसने चलाना है? बिकॉज ही इज नॉट हैविंग नॉलेज, इसके पीछे टीम है, ये जो बच्चे पीछे बैठे हैं, इमेजिन कि ये टीम है इसकी, ये सिविल सर्वेंट्स, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये नॉन परमानेंट है, ये सिर्फ 5 साल के लिए आया है, वो एज ऑफ रिटायरमेंट के लिए आया, वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, ये वेल क्वालिफाइड नहीं भी हो सकता, ये मैट्रिक भी हो सकता है, 8th भी पास हो सकता है, वो वेल क्वालिफाइड है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आए हैं वहां पे। अब दीपांश को हेल्प उन्होंने करनी है सारा काम करने में, बट उनके पास पावर नहीं है। पावर किसके हाथ में है? इसके, पावर इसके हाथ में है, पावर उनके हाथ में नहीं है, बट नॉलेज पूरी डिपार्टमेंट की उनके पास, वेल क्वालिफाइड है वो, ये वेल क्वालिफाइड नहीं भी हो सकता। तो नेक्स्ट, अब
पावर इसके हाथ में है, नो इट डिपेंड्स अपॉन हिम कि ये किस ट्रैक पे अपने डिपार्टमेंट को लेके जाता है। ये पैसे की तरफ देखता है कि डेवलपमेंट की तरफ देखता है, डिपेंड्स अपॉन हिज विश, डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ द मिनिस्टर्स। पीछे जो टीम वर्क कर रही है वो वेल क्वालिफाइड होते हैं। फर्टिलाइजर मिनिस्टर ये है, इमेजिन मान्यता, नो नॉलेज अबाउट द फील्ड बट बन गई। पावर इज गिवन बाय द, क्योंकि टीम सिलेक्ट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपने क्लोज फ्रेंड्स को पावर में लेके आता है, ठीक है, वो उसकी बहुत क्लोज होते हैं सब। फर्टिलाइजर मिनिस्टर, नो नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट, पीछे टीम है वर्क करने के लिए, टीम वर्क करेगी। और इट डिपेंड्स अपॉन मान्यता आपके ट्रैक पे लेके जाए कि रॉन्ग पाथ पे लेके जाए अपने डिपार्टमेंट को, क्योंकि पावर किसके हाथ में है, मिनिस्टर के हाथ में, सिविल सर्वेंट्स के हाथ में पावर नहीं है। तो ये जो लोग होते हैं, जैसे मिनिस्टर्स, कोई भी किसी भी मिनिस्टर का आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए गवर्नर, या आपसे किसी के बारे में भी पूछ लिया जाए, तो ये किसका पार्ट है, सब जो टेन्योर के लिए आते हैं वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव किसका पार्ट है, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए भी आते हैं वो किसका पार्ट है, जो लोग रूल कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, प्रेसिडेंट का, ये किसका पार्ट है, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर, इंडिया में डैश कैन ओनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन, जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट अगर करनी है इंडिया में, तो इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ, मैं पूछूं अगर प्रेजिडेंट, जुडिशरी के बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट नीड्स द अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसे बोथ द लेवल्स मीन्स 50% रेक्टिफाइड बाय 50% ऑफ द स्टेट होता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट्स करनी है, तो नीड्स अप्रूवल ऑफ बोथ द लेवल। अगर मैं कहूँ पावर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट, तो ये कमिंग में होता है कि होल्डिंग में होता है, पावर्स टू द स्टेट्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, होल्डिंग में, होल्डिंग में पावर्स टू द स्टेट आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ, अब बताओ आप, एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर मैं आपसे पूछूं मेयर इज द हेड ऑफ, मेयर कॉर्पोरेशन और म्यूनिसपैलिटी, कॉर्पोरेशन। अगर मैं आपसे पूछूं वार्ड मेंबर्स जो होते हैं, दे आर द मेंबर्स ऑफ, लिसन केयरफुली, विलेज पंचायत, या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या फिर ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति का एक और नाम भी होता है पंचायत समिति, क्या नाम होता है, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, या फिर पंचायत समिति भी से कहा जाता है। नेक्स्ट, इस इन्हीं को से अच्छा पंचायत सिस्टम को कह रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने कहा पता नहीं क्या बोली कर। नेक्स्ट, अगर आपको प्रॉब्लम इन्हीं क्वेश्चंस में आई थी, बाकी आपको पावर शेयरिंग जो लेसन है ना वो सबको आता है, कितने परसेंट डच, कितने परसेंट फ्रेंच, ये टॉपिक सबका ठीक था, गलत हुए तो ये वाले टॉपिक जो कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, फेडरेशन, मोस्टली गलत, या फिर आपके क्वेश्चन गलत हुए, आपके अर्बन सेल्फ, रूरल सेल्फ, गवर्नमेंट वाले टॉपिक काफी हद तक गलत थे, बच्चों ने मोस्टली ये वाले क्वेश्चन छोड़े, अर्बन सेल्फ, रूरल सेल्फ, गवर्नमेंट, तो ये आपको आने चाहिए। आप बताओ अगर पर्सन को ग्राम सभा का मेंबर बनना है तो एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 18 और अबव, किसकी पार्टिसिपेशन बढ़ गई इन द विद द कमिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वुमेन की कितनी परसेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन, 33%, क्योंकि हम खुद ही कहते हैं 1/3 सीट्स आर फिक्स फॉर वुमेन, वेयर एज इन सेंटर एंड स्टेट वुमेन की पार्टिसिपेशन इज लेस। इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट में वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है, पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया इज नॉट गुड। पॉलिटिकल स्टेटस क्या है इंडिया में, वुमेन का पॉलिटिकल स्टेटस इज गुड और नॉट,
नहीं, अच्छा अब आप बताओ, हु वर इन माइनॉरिटी इन ब्रुसेल्स? माइनॉरिटी, तो ये भी गलत हुआ। ये क्यों गलत हुआ बच्चे? फिर कंट्री को लेके सोच रहे हैं। हु वर इन मेजोरिटी इन ब्रुसेल्स एंड हु वर इन मेजोरिटी इन बेल्जियम? हु वर इन माइनॉरिटी इन बेल्जियम? दे वर ओनली 1% इन श्रीलंका। दे वर ओनली 7% क्रिश्चियंस। हु वर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका? इन विच ईयर एक्ट वाज पास्ड इन श्रीलंका? 1956। 1950। नेक्स्ट इज बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर, सॉरी, बेल्जियन लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी टाइम्स? यस पता है? 1972, 1993। पंचायती राज सिस्टम कौन से ईयर में आप करते हो उसको? पंचायती राज सिस्टम 1990। आपको इस पर क्वेश्चन भी था। ये अमेंडमेंट्स उसमें कब हुई जो बुक में दी हुई है? अर्लियर देयर वाज इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको अमेंडमेंट्स का भी पता होना चाहिए, जो जो उसमें अमेंडमेंट हुई थी, पता है ना? अटेंडेंस बीट।